नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भोपाल में ईवीएम मशीन से वोटिंग में वोट से छेड़छाड़ का लाइव डेमो दिया। पत्रकारों ने डमी ईवीएम का बटन दबाया और बटन केले के चिन्ह का दबाया और ईवीएम तथा वीवीपैट पर्चे में सेब को वोट किया। अब दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता ना अधिकारी कर्मचारी है, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर डालने वाला है। अब बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस को डर है कि लोकसभा चुनाव में शायद वे अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाएगी। शायद इसलिए अभी से कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की बात को उठाने लगी है। पहले रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि ईवीएम और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। एक चुनाव चिन्ह पर वोट डालने पर वोट दूसरे को भी पड़ सकते हैं। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं और कौन सी मशीन कौन से असेंबली में कौन से बूथ पे जाएगा ये कंप्यूटर तय करता है, जिला रिटर्निंग अफसर तय नहीं करता। यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना ईसीआई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर है, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। चुनाव आयोग पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को दफ्तर बुलाकर उसे गलत दिखाने की चुनौती दे चुका है, मगर बाहर ईवीएम में गड़बड़ी दिखाने वाले चुनाव आयोग के ईवीएम को हैक नहीं कर पाए। अब बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इसलिए वो पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा रही है। इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस अपराष्ट्र हो रही है तो केवल भ्रम झूठ छल कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं बचा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इस प्रकार की ईवीएम, अरे ईवीएम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। दिग्विजय सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, आपको ये होश नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाया तो गए, जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? आपकी हिम्मत नहीं थी, आपको झूठ बोलना है, अनर्गल आरोप लगाना है सेना पर, किसी भी व्यवस्था पर। आप तो कुल मिलाकर के असंतुष्ट रूपी ही है, इसलिए आपको कुछ बचा नहीं है। तो चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्हें सेंस नहीं है, या दिग्विजय सिंह हो जिन्हें शर्म नहीं, तो इसलिए ऐसे लोग हैं जो दिन भर झूठ बोलेंगे। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर चुनाव आयोग हर जगह गड़बड़ी करेगा तब लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए कुछ राज्यों में सही ईवीएम लगाई जाती है। शाहनवाज खान, भोपाल, हिंदी खबर। तो चलिए बिना देरी किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुंजन चौकी से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत गुंजन चौकी से जी आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की ओर से एक डेमो दिखाया गया और सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में ही काम करती है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था ये जो भी दिग्विजय सिंह का कार्य हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि ये ईवीएम कांग्रेस के लिए सिर्फ एक बहाना है, इन्हें सिर्फ अपना अपना परिवार और अपने अपने बेटों को बचाना है। ये कांग्रेस अब अच्छे से समझ चुकी है कि किस तरह मध्य प्रदेश में जनता ने इन्हें इनका जवाब दे दिया है, और जो जिस तरह इनकी जो करारी हार इन्होंने देखी 2023 के चुनाव में, और अब आने वाले 2024 में ये समझ चुके हैं कि इनको एक सीट भी नहीं मिलने वाली है और इनका पूर्ण रूप से जनता बहिष्कार कर चुकी है, तो कुछ तो बहाना लेना पड़ेगा ना। तो अब
इनके ईवीएम इनका एक बहाना है, ईवीएम के जरिए ये जनता को फिर से भ्रमित करना चाहती है। तो पहले तो दिग्विजय सिंह जी ये जवाब दें कि 2004 के चुनाव में भी ईवीएम से हुआ था, 2009 का चुनाव भी ईवीएम से हुआ था, तो क्या तब भी इन्होंने गलतियां की थी, क्या तब भी ये गलत तरीके से चुनाव जीते थे? ये बता दें, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में भी ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हुए हैं, तो क्या वहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ईवीएम सही हो जाती है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईवीएम पे दोषारोपण कर दिया जाता है? तो ये बहुत दुखद है कांग्रेस का इस तरीके का अपमान संस्थानिक संस्थाओं पे। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सरकारी संस्थाएं हैं जिसपे बार बार कांग्रेस इल्जाम लगाती आ रही है। आप बताएं कि जब ईडी या छापा मारता है तो ये ईडी को कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है, सीबीआई पे ये इल्जाम लगाते हैं, अब जो बचा कुचा चुनाव आयोग को भी ये नहीं बख्श रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है कि जो संस्थाएं ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरा एक रीति रिवाज के साथ अपने काम कर रही हैं, लेकिन उस पे भी ये इस तरीके के अपमानजनक टिप्पणियां जब ये देते हैं तो ये शोभनीय नहीं है, और इस तरीके के नेता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद इतने लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आज जब ये हार उनके सामने आई है तो अपने अपने परिवार को, अपने बेटे को जिन्हें बचाना है, आज इसलिए उन्होंने ईवीएम को सामने लाके खड़ा किया, और सिर्फ ईवीएम को ढाल की तरह लेके आ रहे, एक बहाने की तरह लेके आ रहे। लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं, ये जनता है और जनता सब देख रही है, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, अपने अपने बेटे बचाओ, वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है देश बचाओ। कांग्रेस परिवारवाद पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी विकासवाद पे बात करती है, और यही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आधार है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा और विकास के लिए उतरी है, और कांग्रेस सिर्फ अपने परिवारों के विकास के लिए उतरी है, और ईवीएम सिर्फ एक बहाने के रूप में जनता को ठीक है। यश श्रीवास्तव जी, अब ऐसी क्या जरूरत और मजबूरी आ पड़ी कि दिग्विजय सिंह को ईवीएम से छेड़छाड़ करना पड़ा और ये डेमो दिखाना पड़ा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि अब ये डर बौखलाहट आ चुका है और ये जान चुके हैं कि भाई लोकसभा चुनाव तो हमें हारना है, तो कुछ तो बहाना लेना पड़ेगा। चित्रा जी, भाजपा आरएसएस किन घिसी पिटी बातों के दम पे अपनी राजनीति करती है उसका जवाब तो देने के लिए पब्लिक है, दुनिया भर की चर्चाएं। मैं आपको वो तर्क दूंगा जो ठोस है और जिनके साथ दिग्विजय सिंह जी ने भी इतनी बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहली बात, 20 लाख ईवीएम गायब है, ना तो चुनाव आयोग और ना ही भाजपा को उससे कोई फर्क पड़ रहा। किसी भी और देश में किसी भी सरकार की नींद उड़ जानी चाहिए थी। देश की चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस समय ईवीएम है, उसकी 20 लाख मशीनें गायब हो जाती हैं और सरकार सालों से चुपचाप बैठी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई वो ये है कि ईवीएम भारत के अलावा केवल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नाइजीरिया, इन देशों में उपयोग होती है। इसमें से ऑस्ट्रेलिया का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी उसको चेक कर सकता है, लेकिन बाकी के दो पिछड़े देशों और भारत में ये चीज नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया पूरी मशीन का, उसमें किस तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है, क्यों जिले के और स्थानीय स्तर के अधिकारी जो पहले नियुक्त किए गए थे, जो ये निर्णय लेते थे कि मशीनें कहाँ किस तरीके से लगाई जाएंगी, उनको हटा के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से दो लोग आते हैं, वो लैपटॉप मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं और अपने हिसाब से पूरा तय करते हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई पोर्ट है ही नहीं, पोर्ट नहीं है तो फिर वो अधिकारी क्यों इंटरनेट मांग रहा है मशीन सेटअप करने के लिए। उसके बाद सवाल उठता है कि भाई यदि वीवीपैट की पर्ची इतनी ही सही है तो उसमें काला कांच क्यों लगाया जाता है? ये सारे बिंदु हैं जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, ये टेंजिबल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, लेकिन भाजपा आरएसएस के पास कुछ नहीं है। इनके विधायक प्रतिनिधि है। जो हैं वो गरीब लोगों के साथ क्या करते हैं उसके बाद भी ठीक है। अब ये बताइएगा श्रीवास्तव जी, ये जरा बताइए कि जो ईवीएम है जिसमें डेमो दिखा रहे हैं दिग्विजय जी, ये असली है या नकली है? देखिए, असली और नकली की बात नहीं है, बात ये है कि यदि कोई सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट होता है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ये हमने डेमो के लिए बनाया है। सवाल इसलिए ना कि भाई सरकारी ईवीएम दिग्विजय सिंह के पास कैसे आ जाएगी, सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं। मैं बता रहा हूं, हाँ। ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, ये मेरा डिवाइस है। अब मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इसको अभी हैक करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब, कर सकती हैं? नहीं कर सकती।
चुनाव आयोग ने जब हैकिंग के लिए इनवाइट किया तो लोगों को लाके वहां खड़ा कर दिया बिना उनके अपने रिसोर्सेस के, बिना किसी भी प्रॉपर ब्रीफिंग के, और कह दिया 5 मिनट में मशीन हैक करके बताओ। मशीन हैक की जा रही है ये हम भी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर जो इसका एस्टेब्लिशमेंट में डाला जाता है वो शुरू से ही मैनिपुलेटेड है या उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यदि चुनाव आयोग निष्पक्षता की अपनी बात पर कायम है, यदि उसे जनता देश के नागरिकों के सवालों का जवाब देना जो कि उसकी जिम्मेदारी है, यदि उसका ख्याल है, और ये देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी संस्था से या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों से ये सवाल करे कि हमारा वोट सही तरीके से गया, इस बात का क्या प्रमाण है? ये मुमकिन है क्या? अभी भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मुमकिन है क्या? आलोक पांडे जी, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक पांडे जी, ये मुमकिन है कि एक सरकारी ईवीएम, सरकारी मशीन कोई दिग्विजय सिंह के पास आ जाएगी और वो इतनी आसान से वो उसका डेमो दिखा पाएंगे और कह पाएंगे कि देखिए अब ईवीएम भी हैक हो रही है, हम तो सीधे तौर पर लाइव डेमो दिखा रहे हैं आपको, ये मुमकिन है क्या? चित्रा जी, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, इतिहास से जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। 2014 के पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आडवाणी और उनके टीम के मेंबर्स ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है। तब कांग्रेस उस समय क्यों बैलेट से वोट कराना शुरू नहीं कर दिया? कांग्रेस ने तब बीजेपी की बात क्यों नहीं मानी? तब अगर वो हैकेबल था तो उसी समय मान जाना चाहिए। अब बीजेपी नहीं मान रही है, इसका मतलब है कि उस समय जब आडवाणी जी ने मुद्दा उठाया था तब भी ये पॉलिटिकल मुद्दा था। इस समय दिग्विजय सिंह भी जो उठा रहे हैं ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। सर आप बोल दीजिए, आपको आप पहले हाथ उठा देते हैं, रुकिए थोड़ा सा, 30 सेकंड रुकिए, फिर आप करिएगा। ठीक है, बोलने से रोक नहीं, आपकी तो आप तो बारी है, तब आप 30 हमने बोलना शुरू नहीं किया, हाथ उठा दिया, रुको, ध्यान रखो, थोड़ी रोक रहा हूं। ठीक है, बोलिए आलोक जी, बोलिए। मैं अपनी बात कर, तो मैं कह रहा हूँ कि जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है तभी वो हैकेबल क्यों लगती है? पहले बीजेपी को हैकेबल लगती थी, अब कांग्रेस को लगती है। आप बीजेपी कहती थी हैकेबल नहीं है, अब कांग्रेस कहती थी हैकेबल नहीं है। दूसरी बात आते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये हैक हो जाती है, भारत में देखिए अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से होता है। आप इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के न्यायालय में फिर जाइए, ये ईवीएम का डुप्लीकेट ईवीएम ला करके, ये जो नकली ईवीएम है, ये इलेक्शन कमीशन की ईवीएम है ही नहीं, तो आप देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर इस तरह से प्रश्न नहीं उठा सकते थे। अगर मुझे उस समय पूछा था तो मैं आडवाणी जी के लिए भी यही कहता कि भाई वो जो कह रहे हो गलत था, और इस समय जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं ये भी गलत था। और आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले कपिल सिब्बल विदेश में थे, वहां पर भी उन्होंने बताया था हाउ टू हैक ईवीएम। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने सबको कहा था, चुनौती दी थी कि अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आइए, समय लीजिए और उसके बाद आकर के हैक कीजिए। भारत का कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि इलेक्शन कमीशन की उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था, जैसा कि ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में हैक करके दिखाओ, ऐसा नहीं था। इलेक्शन कमीशन का वो घोषणा मुझे याद है, इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर कहा था कि जिसको भी लगता है कि यह हैक किया जा सकता है वो आए और उसको हैक करके दिखाए। जहां तक रहेगी बात ये ईवीएम की, ये जहां तक मेरी जानकारी, मैं बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से, किसी भी इंटरनेट के माध्यम से इससे कनेक्ट हुआ ही नहीं जा सकता है। इसलिए जो ये कांग्रेस इस समय बात कह रही है, मैं इसे राजनीतिक मानता हूं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जब कह रहे थे तब भी राजनीतिक था, तो विपक्ष में रहने वाला दल अपनी हार को न पचा पाता है, उसमें बीजेपी हार नहीं पचा पा रही थी और इसमें कांग्रेस हार नहीं पचा पा रही। ठीक है, अब गुंजन चौकसे जी, अब एक बात दिग्विजय सिंह की ओर से और ये भी कही गई, वो ये उन्होंने ये कहा कि चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, माहौल बनाते हैं आप लोग, एक नैरेटिव सेट करते हैं। अब देखिए लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया, माहौल बनाया। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर के पूरा का पूरा माहौल बनाया था, तो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये दिग्विजय सिंह ने जो बात माहौल कह रहे, शायद जनहित में किए हुए फैसले को अगर वो माहौल कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जनहित में फैसले लेती है। और आज से नहीं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को जो एक विमानू राज्य था उससे विशाल राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह जो अब कर रहे हैं ईवीएम का भी, हमने बहुत सुंदर तरीके से हमने सुना, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जिस तरह बताया है कि
कि हाँ अगर ईवीएम में दिक्कत थी तो जहां मैंने शुरुआत की थी अपनी बात की 2004 में मुद्दा क्यों नहीं बनाई ईवीएम, 2009 में मुद्दा क्यों नहीं बनाई ईवीएम, तेलंगाना कर्नाटका हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं बनाई ईवीएम मुद्दा, जहां कांग्रेस हारती है वहां कांग्रेस ईवीएम को मुद्दा बना देती है। ये सिर्फ कुछ नहीं है दिग्विजय सिंह की, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस दिग्विजय सिंह को अब नकार रही है। दिग्विजय सिंह का एग्जिस्टेंस बनाने के लिए दिग्विजय सिंह जी इस तरीके के मुद्दे सामने ले आते हैं कि शायद किसी चर्चा में वो आ जाएं और शायद कुछ पत्रकार बंधु उन पे भी बात कर ले या कांग्रेस के लोगों को याद दिला दे वो कि हाँ वो कांग्रेस का ही पार्ट है, क्योंकि ये जो कांग्रेस है ये पूर्ण रूप से विभाजित कांग्रेस है, बिखरी हुई कांग्रेस है। यहाँ पर एक कमलनाथ जी अपने बेटे को बचाने में लगे हुए हैं, नकुलनाथ जी अलग से छिंदवाड़ा से कांग्रेस चलाते हैं, आपने देखा होगा चाहे राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की अलग कांग्रेस चलती है, और एक जो पांचवी इनकी उंगली बची थी एक हाथ के पंजे की वो जीतू पटवारी जी पूरा कर रहे हैं और वो एक अपनी अलग ही धुन की अलग ही कांग्रेस चला रहे हैं। तो जो दिग्विजय सिंह जी का लड़ाई ऑफ एग्जिस्टेंस है इसके लिए उन्हें इस तरीके के अपनाने पड़ती है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के बीच बने रहने का एक जरिया है। ये आप और हम सब समझते हैं कि एक चुनाव आयोग तो अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं, आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये जिस तरह आपने सुना आलोक जी ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप कभी सीपीआई पे सवाल उठाते हैं, कभी आप ईडी पे सवाल उठाते हैं, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस तमाशे को आप बंद करें, कांग्रेस को बंद करें, जनता समझ रही है और जनता ने जवाब दे दिया है। ठीक है गुंजन चौकसी जी, मैं आपकी 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 बातों का जवाब ले लेती हूँ उनसे, यश जी से आपकी बातों का ही जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। चित्रा जी सब पहली बात, लोकतंत्र में देश के आखिरी नागरिक तक को ये अधिकार है कि वो देश की किसी भी संस्था किसी भी पदधारी किसी भी नेता से सवाल करे, ये नागरिकों को हक है, किसी भी नागरिक को। तो आप ये तानाशाही की बातें बीच में मत आइए गुंजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, नहीं बीच में मत आइए, बीच में बात आइए गुंजन जी। ठीक है गुंजन जी, उनकी बात पूरी हो जाए ना फिर मैं आपके पास आऊंगी। गुंजन जी रुक जाइएगा, रुक जाइए प्लीज, अपनी अपनी बारे में बोलिएगा गुंजन जी, रुक जाइए। देखिए सबसे पहली बात है चित्रा जी, जो मैंने कहा नागरिकों का अधिकार है कि वो किसी भी पदधारी से सवाल करें, वो हम करेंगे और हर नागरिक करेगा। भाजपा वाले कोई नहीं होते सवाल का अधिकार छीनने वाले, ना कोई और कोई होता है। सवाल होंगे, जवाब देना पड़ेगा, ये ड्यूटी कहलाती है। दूसरी बात, ये घिसी पिटी बातें, ये तर्क जो मैं शायद पीढ़ियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वही बातें, वही परिवारवाद। भाजपा में परिवारवाद की लिस्ट निकाली जाए तो शर्म आ जाएगी, भाजपा वाले चले जाएंगे। हम जाने देते हैं, हम ईवीएम की बात करते हैं। यदि ईवीएम इतनी ही स्पष्ट है तो जैसा मैंने पहले कहा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स क्यों नहीं है, जबकि ये माना जा रहा है कि सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, चुनाव आयोग खुद कह रहा है, और ये तब है जब चुनाव आयोग के खुद के पास कोई टेक्निकल टीम है ही नहीं। यदि कोई टेक्निकल टीम नहीं है, यदि आपको ये नहीं पता है कि उसके अलग अलग जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उस मशीन के, उनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, उनकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन क्या है, चुनाव आयोग खुद नहीं जानता है। और यहाँ पे भाजपा आरएसएस हम पर दबाव, फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से तो अपनी सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं, क्योंकि जब जब आप लोगों ने या विपक्ष ने हैकिंग की बात उठाई है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, तो अब मेरे हिसाब से अब ये भी मतलब अभी तक चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और आप हर किसी को बोलते थे कि वो दबाव में काम कर रहे, चुनाव आयोग को तो कम से कम छोड़ दीजिए। मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ अपनी बात। सबसे पहली बात ये है कि यदि चुनाव आयोग दबाव में नहीं है, यदि निष्पक्षता है और यदि हम आरोप भी लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को खुद अपने बचाव में या स्पष्टीकरण में या जो भी वो ठीक समझे, इसके लिए जो भी शब्द उनको ठीक लगे, उसके लिए चुनाव आयोग को खुद सामने आना चाहिए, बजाय अब चुनाव आयोग भी स्पष्टीकरण देगा सर। यश श्रीवास्तव जी कैसी बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल कहीं। दूसरी बात एक बार चुनाव प्रक्रिया पर नागरिकों को शंका है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो, गुंजन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, अपनी अधीरता पर काबू रखिए प्लीज। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को पूरा जवाब दें। तीसरी बात, राजीव गांधी जी ने जो ईवीएम इंट्रोड्यूस की थी वो एक कैलकुलेटर एक काउंटर की तरह काम करती थी, उसमें सिंबल लोड नहीं किए जाते थे, उसमें केवल ये था कि इस नंबर पर इतने वोट डले,
और स्थानीय स्तर पर उन चुनाव चिन्हों की गिनती और उनका मापदंड होता था। अब क्या होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज है, सर्वर हो रहा है, दो लोग आके इंटरनेट एक्सेस मांग रहे हैं, क्यों भाई? यदि आपको चुनाव में स्पष्ट प्रक्रिया चाहिए है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग की तरफ से यदि भाजपा आरएसएस वाले आके यहाँ पे, देखिए आपने देखिए दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा, ठीक है मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से सुन लीजिएगा। दिग्विजय सिंह एक तो ये भी कह देते हैं कि नैरेटिव बनाने की कोशिश है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश है। तो अब हर कोई देखिए ये तो कहेगा ना कि भाई तेलंगाना में बजरंग बली के माध्यम से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, तो वहां पर ये दाव क्यों नहीं चला, ये मुद्दा क्यों नहीं चला? और दूसरी बात कि अब चुनाव आयोग, अब कल को विपक्ष ये भी कह दे कि भाई भगवान भी आकर के स्पष्टीकरण दे दे, तो क्या ये मुमकिन हो जाएगा? चुनाव आयोग आपके सामने आकर के स्पष्टीकरण दे देगा? कैसी बातें करते हैं यश श्रीवास्तव जी? मुझे लगता है कि ईवीएम के अलावा अगर मुद्दों पर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आलोक पांडे जी, मुद्दे कई खो गए हैं लेकिन लड़ाई अब फिर से ईवीएम बनाकर से मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कम से कम संविधान बचाने वाले तो संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण न करें। जो लोग संविधान बचाने के नाम पर इकट्ठा हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे और इलेक्शन, अगर ये बात कहते हैं कि अभी है हो रहा, तो पिछले 50 साल जो कांग्रेस जीती थी क्या वो मैनिपुलेट करके ही जीती थी? क्या वो सत्ता में मैनिपुलेशन से आई थी? अगर उस समय इलेक्शन कमीशन सही था तो आज इलेक्शन कमीशन कैसे गलत हो सकता है? श्रीवास्तव आप अधीर मत हुआ करिए, बीच में आप टिप टिप करते हैं, दूसरे को टोकते हैं, मुझे मेरे बोलने का समय है ना? आप क्या कैसी बात करते हैं? कांग्रेस की अधीनता बड़ी खराब बात है भाई श्रीवास्तव जी, आपकी हर बात आप बोले तरफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो संवैधानिक संस्था है, आज करप्ट हो सकती है, तो पहले क्यों नहीं हो सकती थी? इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता था? आप उस बैलेटिंग में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ बैलेट लूट रहे थे, फिर कौन दिया आपको? जरूरत है जनता के बीच जाने की, क्योंकि अगर कांग्रेस का जादू अगर थोड़ा बहुत दक्षिण में चल रहा है तो जरूरत है कि ये मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है तो ये तो आप लोगों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से जो ईवीएम पर लाइव डेमो दिखाया गया है, अब सवाल ये उठता है कि अब ईवीएम को लेकर के क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में यही मुद्दे इर्द गिर्द आते हुए नजर आएंगे, यानी अन्य मुद्दों को भटकाकर ईवीएम को आगे लाया जाएगा? चर्चा में बस इतना ही, बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।